सो हेलो गाइज अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम अजय कुमार सुनीजा एंड गाइज वेलकम टू माई चैनल टूटोरियल पॉइंट टू थाउजेंड सिक्सटी सो गाइज दिस इज द अलवेंथ वीडियो ऑफ मैजिक मैथड इन पी एच पी और आज मैं बात करूँगा स्ट्रिंग मैथड के बारे में और इसे कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है पी एच पी में हम वो देखेंगे और अभी तक गाइज हम ये सारे मैथड्स देख चुके हैं और आप सीधा मेरे चैनल पर आइए और यहाँ पर प्ले लिस्ट पर जाइए और कम्प्लीटली अभी तक टेन वीडियोस आप देख देख चुके हैं पूरी मैंने सारे फंक्शन के बारे में बताया है और मैजिक मेथड method, वो मेथड्स होती हैं जो किसी इवेंट पे अपने आप कॉल होते हैं और सबका हमने एक लाइव एग्जांपल देखा है और समझने की कोशिश की है आज का जो वीडियो रहेगा जिसमें हम देखेंगे टू स्ट्रिंग के बारे में इसे कमेंट कर देता हूँ मैं और इसका यूज़ क्या है इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं तो सिंपली आपको पता है कि मैं ये इंडेक्स वाली फाइल यूज़ कर रहा हूँ एक्स वाई जेड डॉट पी एच पी यूज़ कर रहा हूँ ए बी सी डॉट पी एच पी यूज़ कर रहा हूँ तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको ये वीडियो डायरेक्ट समझ ना आए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि मेरी जो इससे प्रीवियस जितनी वीडियो हैं इसकी वो आप देख लीजिएगा तभी आपको क्लियर होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ टू स्ट्रिंग का मतलब क्या है अभी आप जैसे ही किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जैसे मैंने ए बी सी का बनाया है एक्स वाई जेड का बनाया है और अगर मैं इको करा दूँ यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा आउटपुट क्या होगा ये देखते हैं चलते हैं ब्राउज़र पर क्या ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए बी सी कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग आप किसी भी अब, मतलब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते टेक्स्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट स्ट्रिंग में नहीं कर सकते तो उसका एक ऑप्शन ही है अगर मैं इस, इसको फिर एक काम करते हैं कि इस ईको को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक फंक्शन होता है प्रिंट प्रिंट अंडर स्कोर आर जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में डिबिंग के लिए तो क्या इसका आप यूज़ कर सकते हैं एरे में अगर आपने देखना हो कि एरे में एक्चुअली वैल्यू है क्या अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं प्रिंट अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट अंडर स्कोर आर में डाल दूँ तो क्या होगा सी ये बता रहा है कि ए ऑब्जेक्ट मतलब ये बता रहा है कि क्लास का नाम बता रहा है ये तो इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली कि जो ऑब्जेक्ट उब्जेक, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का एबीसी क्लास का है तो इसका मतलब प्रिंट अंडर स्कोर ऐसे काम कर रहा है जो हमने देख लिया प्रिंट अंडर स्कोर आर की हेल्प से बट अगर मैं चाहूँ एक मेरे पास फंक्शन होता है गेट क्लास गेट अंडर स्कोर क्लास आप सिंपल इस फंक्शन इस, इस के अंदर क्या करना है आपको अपना ऑब्जेक्ट पास करना है तो आपको ये क्या बताएगा ये आपको क्लास का नाम बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है सी देख रहे हैं आप ए बी सी आ गया अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मैं एक्स वाई जेड का जो ऑब्जेक्ट है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दू तो क्या आएगा एक्स वाई जेड तो गाइस तरीका ये बिल्कुल ठीक है बट मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार गेट अंडर स्कोर क्लास का फंक्शन यूज ना करना पड़े सपोज इसमें टेन क्लासेज और होती तो मैं बार बार ये फंक्शन यूज करता रहता ऐसा ना करना पड़े मुझे मेरे को खाली मेरा इसी से काम बन जाए मैं सीधा इसको प्रिंट कराऊं और मुझे क्या आउटपुट मिल जाए एबीसी क्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है एबीसी क्लास का ये या ये ऑब्जेक्ट किसी अदर क्लास का है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं मैजिक मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस वो है टू स्ट्रिंग काफ़ी यूज़ होता है ये मतलब वैसे तो डेली मतलब अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप करें तो ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं होगा बट अगर बेसिक अगर आप नॉलेज ले रहे हैं बेसिक पीएचपी समझ रहे हैं तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं तो एक काम करते हैं हम चलते हैं ए क्लास के अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके तो सिंपल आपने पब्लिक सिंटेक्स वही रहेगा जैसे हम मैं करता आया हूँ फंक्शन और टू स्ट्रिंग जो भी मैंने फंक्शन का नाम आपको बताया और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता अभी तक आपने देखे मैंने फंक्शन के बारे में बात की कॉल स्टैटिक कॉल सब में पैरामीटर आ रहा था और यहाँ तक कि गर्ज जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अनसेट और अनसेट एक बहुत ही काफी यूज होता है मतलब लाइक अगर किसी भी वेरिएबल को आपने अनसेट करना है मान लीजिए आपने एक वैल्यू है ए वो यूज हो चुकी है मतलब और अगर आप चाहते हो दोबारा यूज ना हो आप अनसेट कर दो तो अनसेट बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक वेरिएबल्स पे पे वो काम करता है आप चाहते हो नहीं किसी भी एरे में कोई वैल्यू पड़ी है आपने उसको अनसेट करना है तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अनसेट मैजिक मेथड का यूज करके बताया था कि अगर किसी प्राइवेट वेरिएबल के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो या उसको हटाना हो तो हमने पिछली वीडियो में एक्जाम्पल देखा तो आप वो जरूर देख लीजिएगा अभी हम बात करते हैं टू स्ट्रिंग की तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो मुझे ये क्या एरर देता है देखिए मुझे ये एरर देगा सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए बीसी कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग तो उसका ऑप्शन क्या है अब आप आपने किसका ऑब्जेक्ट यूज किया है एबीसी का आप एबीसी क्लास के अंदर जाइए और यहाँ पे आप एक फंक्शन क्रिएट कीजिए टू स्ट्रिंग तो जैसे ही आप अब ये प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट तो ये कहां जाएगा सीधा ये आपको एरर ना देके सीधा कहां जाएगा एबीसी क्लास के अंदर और टू स्ट्रिंग के पास जाएगा क्योंकि ये जो चीज एरर आ रही है एरर आ रहा है इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो ये है ये टू स्ट्रिंग के पास जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो ये आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा अब आप सिंपल लिखिए रिटर्न और जो गेट क्लास आपने यहां लिखा था ना

तो गैस होगा क्या मैं आपको समझाता हूँ फ़्लो कैसे काम करेगा इंडेक्स पे आया जैसी ये आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे फ्लो कहाँ जाएगा सीधा यहाँ पे और कोई पैरामीटर नहीं है आपको रिटर्न क्या कर दिया गेट क्लास का नाम बस सिंपल तो देखें एक बार इसको ब्राउज़र पे देख रहे हैं सी आ गया अब मैं इसमें खास बात ये है मैं चाहता तो इंड जैसे इंडेक्स पे भी ये चीज़ कर सकता था गेट क्लास फंक्शन का यूज़ करके बट देखिए आप सिंपल ई को आप किसी और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना तो देखिए अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट बनाया अब भी आ रहा ऐसा नहीं एरर नहीं आएगा ए बी सी के लिए आ रहा है ठीक है बट अब सिंपल आपको एक्स वाई जेड में आप वो कर दीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन को कॉपी कीजिए और अगली अगली क्लास के अंदर आप उसको पेस्ट कर दीजिए देखिए देखिए ना ए बी सी और एक्स वाई जेड तो गायस ये मतलब होता है टू स्ट्रिंग का आई होप काफी क्लियर होगा आपको टू स्ट्रिंग का मतलब और अगर आप अब आप ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट भी कराएंगे तो आपको क्लास का नाम रिटर्न हो जाएगा और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा गायस स्लिप वेकअप और इनवॉक और क्लॉन अब ये चार मेथड रह गए हैं जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा हम इस प्लेलिस्ट को वाइंड अप करेंगे और चलेंगे नई प्लेलिस्ट के साथ मेरी जो आने वाली प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ये ये कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि मोबाइल पे ओ कैसे आता है मेल पे ओ कैसे जाता है फॉरगेट पासवर्ड हो गया कि हमारी मेल पे आए लाइक like, अगर फेसबुक से लॉग करना हो तो कैसे करेंगे जी से लॉग करना हो तो कैसे करेंगे ये हमारे कुछ नेक्स्ट जो वीडियोस के टारगेट्स हैं है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे